आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन यानी कि RBI लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस कंपनी का नाम, जिस NBFC का नाम इस वीडियो के टाइटल पे आप देख रहे हैं, उसके खिलाफ कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस भी NBFC कंपनी से आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उसके ऑफिस में जाके जो भी आपको प्रॉब्लम है उनको बताइए और कोशिश कीजिए कि वो प्रॉब्लम आपके जो लोकल ब्रांच है वही दूर कर दे। इनके समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो आपका लोकल ब्रांच है NBFC का, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाता, आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, या उनकी तरफ से आपको जो भी जवाब मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में फ्रेंड्स आप NBFC के हेड ऑफिस में अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस कंपनी का नाम आप इस वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं, उसके हेड ऑफिस का जो वेबसाइट है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, और अगर आपका जो लोकल ब्रांच है उस NBFC का आपकी परेशानी नहीं दूर कर पा रहा है, तो आप उनके हेड ऑफिस में अपनी शिकायत भेजिए ईमेल के थ्रू, या फिर फ़ोन कीजिए, या फिर आप लेटर डालिए। और फिर फ्रेंड्स, आप उनको कुछ दिन का समय दीजिए आपकी शिकायत पे काम करने के लिए। जैसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे समझ लीजिए 15 दिन बीत जाते हैं, या फिर समझ लीजिए 1 महीना बीत जाता है, और आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, या फिर आपको जो जवाब मिला है उनके हेड ऑफिस से उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में अब अपन जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन के पास, यानी कि लोकपाल की सहायता लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकपाल से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाली है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, और आपने समझ लीजिए लोकल ब्रांच में भी कॉन्टैक्ट किया, हेड ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट किया NBFC के, और आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर हुई, तो अब आप अपनी शिकायत रिजर्व बैंक को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपका जो स्टेट है वो कौन से लोकपाल के अंडर में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे समझ लीजिए मेरा जो स्टेट है मध्य प्रदेश स्टेट है मेरा। तो देखिए मध्य प्रदेश स्टेट में अगर समझ लीजिए कोई NBFC है और उसके खिलाफ अगर मेरे को लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेजनी है, तो उस केस में मेरी जो शिकायत जाएगी वो मुंबई के एड्रेस में जाएगी। तो देखिए यहाँ मुंबई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, फैक्स नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, और यहाँ पर उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो इस एड्रेस पे आप लेटर भेज सकते हैं, या फिर फैक्स कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर टेलीफोन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इनको लेटर भेजते हैं, या फिर फैक्स करते हैं, या फिर ईमेल करते हैं, तो आपने जो शिकायत हेड ऑफिस में भेजी थी उसकी एक कॉपी इनको जरूर भेज दीजिए, ताकि इनको भी मतलब RBI वालों को भी ये मतलब क्लियर हो जाए कि आपने उनको कंप्लेंट करने से पहले NBFC की लोकल ब्रांच को या फिर उसके हेड ऑफिस को रिटर्न में अपनी शिकायत दी थी, पर उस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। तो उसी प्रकार से जैसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आप समझ लीजिए तमिलनाडु के हैं, या समझ लीजिए आपकी जो NBFC है वो तमिलनाडु में है, तो उस केस में आपको जो अपना कंप्लेंट है RBI के लोकपाल को जो भेजनी है वो चेन्नई के एड्रेस में भेजनी है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ऑपरेशन चेक कर लीजिए, और आपकी जो भी यूनियन टेरिटरी है या जो भी स्टेट है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि आपको कौन से RBI के लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेजनी है। अब जैसे समझ लीजिए आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं, और आप समझ लीजिए चेन्नई अपनी शिकायत भेज रहे हैं, MP के हैं, आपको भेजनी थी मुंबई, पर MP के हैं आप, आपने भेज दी चेन्नई, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी शिकायत जो है रिजेक्ट कर दी जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ ऑपरेशन चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए कि आपकी NBFC कौन की लोकेशन कौन से स्टेट में है, आप कहाँ रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान से चेक करने के बाद ही फिर अपना कंप्लेंट भेजिए लोकपाल के पास। एक बार फ्रेंड्स जब आप अपनी कंप्लेंट भेज देंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओम्बुड्समैन का जो डिपार्टमेंट है वो कंपनी के बीच में, NBFC के बीच में और आपके बीच में मीडिएटर का काम करेगा, मीडिएशन का काम करेगा, और कंपनी जो भी आपको जवाब देगी उसकी एक कॉपी RBI के पास भी जाएगी, और RBI अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से देख लेगा कि जो कंपनी ने आपको रिस्पांस दिया है या कंपनी ने आपकी प्रॉब्लम दूर की है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा 95% केसेस में RBI का जो लोकपाल है आपको जो कंपनी से प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर कर देगा। पर जैसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वो नहीं दूर कर पा रहा है, और आप अभी भी संतुष्ट नहीं है अपनी कंपनी के रिप्लाई से, या फिर जो भी उनने आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में फ्रेंड्स अब आप अपीलेट अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ओम्बुड्समैन स्कीम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, उसका अपीलेट अथॉरिटी का जो एड्रेस है वो है मुंबई का। तो देखिए ये यहाँ पर मेंशन है, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी चेक कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी का एड्रेस। तो फ्रेंड्स अपीलेट अथॉरिटी के पास भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं, अगर नॉर्मल जो RBI के जो लोकपाल के डिपार्टमेंट है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते तो, या फिर मतलब जो आपको कंपनी से जवाब मिला है या रिजोल्यूशन मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो अपीलेट अथॉरिटी को आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है NBFC से वो दूर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ जो मैंने डिटेल्स इस वीडियो में दी है उससे आप संतुष्ट हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।